आज मैं आपको बताऊंगा आप क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को कैसे एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी अगर सर्च करके देखते हैं, तो वो आपकी क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री में सेव हो जाती है। आपका मोबाइल चाहे जो भी लेगा उसको पता चल जाएगा कि आप क्रोम ब्राउजर में क्या क्या सर्च करके देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपके मोबाइल में आपको एक क्रोम ब्राउजर नाम का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ आपको ऊपर में एक थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप क्रोम ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करके देखते हैं, कोई भी वीडियो कोई भी वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर में वो हिस्ट्री सेव हो जाती है। अगर आपका कोई भी मोबाइल लेकर चेक करेगा तो वो आसानी से पता कर सकता है कि आप क्रोम ब्राउजर में क्या क्या सर्च करके देखते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कौन कौन से वीडियो को देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं मेरी हिस्ट्री कोई और देख पाए, इससे पहले मैं उसे डिलीट करूँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये सर्च हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। तो सर्च हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो भी क्रोम ब्राउजर पर सर्च करेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब मैंने क्रोम ब्राउजर पर सर्च किया है। अब इसको कैसे डिलीट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री कैसे डिलीट करना होगा, तो यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप क्रोम ब्राउजर में गूगल पर जो भी कुछ सर्च करते हैं, जो भी वेबसाइट को करते हैं, जो भी वीडियो को देखते हैं, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों यहाँ से डिलीट होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर में मैंने जो भी कुछ सर्च किया, जिस जिस वेबसाइट को ओपन किया, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे आप दूसरे की क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को देख भी सकते हैं। अब आपको इसे डिलीट कैसे करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में डिलीट ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम रेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी हिस्ट्री कितने समय तक डिलीट करना चाहते हैं, अगर लास्ट 24 आवर यानी कि आज आपने गूगल क्रोम में क्या क्या सर्च करके देखा केवल उसका डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप लास्ट 24 आवर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप सभी हिस्ट्री को एक साथ क्लियर करना चाहते हैं, एक हिस्ट्री आपके क्रोम ब्राउजर पर और सर्च हिस्ट्री कुछ न बचे, यहाँ आप ऑल टाइम पर सिलेक्ट करके यहाँ आप डिलीट डाटा पर क्लिक करके आप अपनी क्रोम की हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री सभी को सिर्फ एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ आपको डिलीट डाटा पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको फिर से एक डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको डिलीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्रोम ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों एक साथ डिलीट हो रही है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं फाइनली मेरे क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। इस प्रकार से आप क्रोम ब्राउजर की सारी हिस्ट्री को सिर्फ एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।